अमेरिका ने खोजी रूस की परमाणु मिसाइल लॉन्च साइट ब्यूरविस्टनिक का नाम सुन घबराती है दुनिया। अमेरिकी खोजकर्ताओं ने रूस की नई परमाणु ऊर्जा से चलने वाली मिसाइल की लॉन्च साइट को खोजने का दावा किया है। ये लॉन्च साइट मॉस्को से 475 किलोमीटर उत्तर में स्थित है। इसे दो नामों वोलोगदा 20 और चेपसारा से जाना जाता है। ये लॉन्च साइट 9M370 ब्यूरविस्टनिक मिसाइल का होम बेस है। अमेरिका के दो शोधकर्ताओं ने बताया है कि उन्होंने रूस में 9M370 ब्यूरविस्टनिक के संभावित तैनाती स्थल की पहचान की है। 9M370 ब्यूरविस्टनिक परमाणु ऊर्जा से चलने वाली परमाणु हथियारों से लैस क्रूज मिसाइल है। इसे SSCX-9 स्काईफॉल के नाम से भी जाना जाता है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने इसे अजेय मिसाइल बताया था। उन्होंने कहा था कि इस मिसाइल की रेंज असीमित है, यह अमेरिकी एयर डिफेंस को भी चकमा दे सकती है। लेकिन कुछ पश्चिमी विशेषज्ञों को पुतिन के दावों पर यकीन नहीं है। उनका कहना है कि इससे रूस की सैन्य क्षमता नहीं बढ़ेगी, क्योंकि उसके पास पहले से ही ऐसी मिसाइलें मौजूद हैं। दूसरा, इस मिसाइल से रेडिएशन फैलने का भी जोखिम है। मिल गया रूसी ब्रह्मास्त्र का ठिकाना। मॉस्को से 475 किलोमीटर दूर है ये साइट। 26 जुलाई को एक कॉमर्शियल सैटेलाइट फ्रॉम प्लेनेट लैब्स की तस्वीरों का इस्तेमाल करते हुए दोनों शोधकर्ताओं ने कहा कि उन्होंने रूस की 9M370 ब्यूरविस्टनिक मिसाइल की तैनाती वाले ठिकाने की पहचान की है। ये सैन्य अड्डा रूसी न्यूक्लियर वारहेड स्टोरेज फैसिलिटी के करीब स्थित है। इस सैन्य अड्डे को दो नामों वोलोगदा 20 और चेपसारा से जाना जाता है। ये फैसिलिटी मॉस्को से 475 किलोमीटर उत्तर में स्थित है। मिसाइलों की सुरक्षा के लिए तगड़े इंतजाम। CNA रिसर्च एंड एनालिसिस ऑर्गेनाइजेशन के एक एनालिस्ट नेकर एवेलेथ ने सैटेलाइट इमेजरी के आधार पर बताया कि इस जगह पर 9 निर्माणाधीन लॉन्च पैड हैं। उन्होंने कहा कि वे 3 से समूह में स्थित हैं। उन्हें किसी दुर्घटना से बचाने और दूसरी मिसाइलों को सुरक्षित रखने के लिए एक मजबूत विस्फोट रोधी बनकर के अंदर रखा गया है। ये बनकर सड़कों से जुड़े हुए हैं। एवेलेथ का कहना है कि ये संभवतः वे इमारतें हैं जहां मिसाइलों और उनके दूसरे कंपोनेंट्स की सर्विसिंग की जाती है। एवेलेथ ने कहा, ये साइट एक बड़ी स्थिर मिसाइल सिस्टम के लिए बनाया गया है। रूस के पास एकमात्र बड़ी और स्थिर मिसाइल सिस्टम स्काईफॉल है, जिसे वह अभी डेवलप कर रहे हैं। रूस के रक्षा मंत्रालय और वाशिंगटन दूतावास ने उनके आकलन पर कोई बयान नहीं दिया है। क्रेमलिन के प्रवक्ता ने भी कहा कि ये रक्षा मंत्रालय के लिए प्रश्न है और उन्होंने टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। अमेरिकी विदेश विभाग CIA राष्ट्रीय खुफिया निदेशक के कार्यालय और अमेरिकी वायुसेना के राष्ट्रीय वायु और अंतरिक्ष खुफिया केंद्र ने टिप्पणी करने से इनकार कर दिया।